सरकार की कोशिशों और रिलायंस जियो जैसी निजी कंपनियों के आक्रामक तेवरों से बीते 6 वर्षों में डेटा 95% तक सस्ता हुआ है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया है कि इसकी वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म अ कनेक्शन नेशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश में डेटा के लगातार सस्ते होने से 2023 तक इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 40% बढ़ जाएगी। रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट में सरकार की मदद से अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलने का दावा किया गया है। डेटा की लागत 95% से भी ज्यादा कमी के लिए रिपोर्ट ने रिलायंस जियो के नाम सेहरा बांधा है। बीती सफलताओं के साथ ही भविष्य के लिए भी बड़ी उम्मीदें मैकिंजी की रिपोर्ट में जताई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के डिजिटल सेक्टर का आकार 2025 तक 355 से 435 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। देश में 2018 तक इंटरनेट के 56 करोड़ उपभोक्ता थे, जो सिर्फ चीन से कम है। रिपोर्ट में भारत में डेटा की खपत का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक देश में औसतन 8.30 GB डेटा हर महीने एक मोबाइल ग्राहक इस्तेमाल करता है। ये औसत चीन में 5.50 GB और दक्षिण कोरिया जैसे एडवांस डिजिटल बाजार में 8 से 8.5 GB है। रिपोर्ट में 17 बड़े और उभरते बाजारों से तुलना के बाद भारत में डिजिटाइजेशन की रफ्तार सबसे ज्यादा होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र ने इनोवेशन से लाखों ग्राहकों तक इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं को पहुंचाने में मदद की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति ग्राहक मोबाइल डेटा खपत सालाना 152% की दर से बढ़ रही है। ये दर अमेरिका और चीन के तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। फिक्स लाइन की औसत डाउनलोड स्पीड भी इस वजह से 2014 से 2017 के बीच 4 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 2023 तक इंटरनेट ग्राहकों की संख्या बढ़कर 83.50 करोड़ होने की क्षमता है। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या करीब 40% बढ़कर 2023 में 75 से 80 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस दौरान स्मार्टफोनों की संख्या भी बढ़कर 65 से 70 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सोशल मीडिया पर मोबाइल ग्राहक हर हफ्ते औसतन 17 घंटे बिताते हैं, जो चीन और अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम एक डिजिटल लेन देन खाता रखने वाले लोगों की संख्या 2011 के बाद से 80% बढ़ी है। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत 33.20 करोड़ लोगों को मोबाइल आधारित बैंक खाता खोले जाने से ये मुमकिन हुआ है। यानी अगर मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां डेटा को अगला ऑयल मानती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।